Hello, I am Dr. Ananya Awasthi and I am a public health practitioner and very excited to be part of Mann Ki Baat 100th episode celebrations and really honored that I've been invited as one of the attendees to the program because I had the honor of asking the Honorable Prime Minister a question back in 2017 when I was working with Harvard University on the impact of Jan Dhan Yojana on financial inclusion. So very, very excited and look forward to his Mann Ki Baat at the 100th anniversary. पीएम मोदी जिस तरह से लोगों से बातें करते हैं और उनका हर एक मोमेंट एक जन भागीदारी बन जाता है, कितना इम्पोर्टेंट है ये, सोशली इम्पैक्ट कितना पड़ता है इससे? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि मन की बात इज़ प्रॉबली द बिगेस्ट सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कैंपेन जो यहाँ पर चल रही है इंडिया में. एंड रेडियो को जिस हिसाब से उन्होंने एक मीडियम बना करके पूरे देश को कनेक्ट किया है फॉर सोशल कॉजेज, एंड सबसे बड़ी बात है इट्स अ वेरी ए पोलिटिकल प्लेटफॉर्म जिसमें अक्रॉस द बोर्ड सारी ज्योग्राफी से सारी स्टेट से लोगों को कॉमन सोशल एजेंडे के लिए, कॉमन डिवेलपमेंट एजेंडे के लिए लोगों को जोड़ते हैं. मुझे लगता है कि हर भारतवासी, और अभी एक रीसेंट स्टडी भी थी आई थिंक यूनिवर्सिटी, किसी एक यूनिवर्सिटी में, जहाँ पता चला कि ऑलमोस्ट 80 to 100 crore इंडियंस ने मन की बात को कभी ना कभी सुना है. तो आई थिंक ये बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. बिल्कुल, 100 crores ने अभी तक मन की बात को एक बार सुना है. तो आपको क्या लगता है, जैसे पीएम मोदी अलग अलग स्टोरीज सुनाते हैं उसमें, ठीक है, रिमोट एरिया से स्टोरी लेके आते हैं, तो लोगों को कितनी प्रेरणा मिलती है उससे? एब्सोल्युटली, देखिए एक आई थिंक प्राइम मिनिस्टर जो स्टोरी टेलिंग के थ्रू लोकल हीरोज़, लोकल हीरोइंस की स्टोरीज़ लेकर आते हैं, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर इसलिए करता है कॉमन आदमी को, क्योंकि वो बड़ा रिलेटेबल होता है. उसको अंदर से लगता है अगर इन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम किया है तो वो इंस्पायर होते हैं खुद भी ऐसा करने के लिए. तो मुझे लगता है कि एक तो अवेयरनेस जनरेशन होती है, उसके साथ साथ मोटिवेशन भी होता है कि हम भी ऐसे अभियान में या हम भी ऐसे अच्छे कामों में जुड़ें या खुद भी कोई इनोवेशन करके ऐसा लाएँ कि कभी मन की बात में जो है ऐसी स्टोरीज़ जो है हमारी लिखी जाए या पढ़ी जाए. तो मुझे लगता है कि सारे भारतवासी जो है मन की बात का 11 बजने का वेट करते हैं. जैसे कि दूसरे जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो फायर साइड चैट करते थे, या यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, ये भी कनेक्टिविटी के लिए, मतलब लोगों से बात करने के लिए रेडियो का यूज़ करते थे. तो मन की बात उससे कितना अलग है और क्या हिस्टोरिक इम्पैक्ट देता है? मुझे लगता है कि पूरी सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते थे, उन्होंने रेडियो का इस्तेमाल किया. रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी रही है, एंड रेडियो की बहुत बहुत बड़ी भूमिका है पूरे देश को एकजुट करने की. तो मुझे लगता है कि द फैक्ट कि ही इज़ यूज्ड रेडियो एज अ मीडियम, द फैक्ट दैट हिज मन की बात इज़ अबाउट देश के मन की बात, द फैक्ट कि जिस आदमी का कोई चेहरा नहीं है, जिसको आप जानते नहीं होंगे, उनको भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर हीरो बनाकर, इन ट्रू सेंस जो हीरोज़ हैं उसकी ही परिभाषा, उसकी डेफिनेशन प्राइम मिनिस्टर ने थ्रू मन की बात चेंज की कि व्हाट डज बीइंग अ हीरो इन दिस कंट्री मीन. एंड अ हीरो कैन बी समबडी फ्रॉम, मैं मिली थी अभी दिल्ली में जब प्रोग्राम होता, कैन बी समबडी फ्रॉम अनंतनाग हु हैज़ डन यू नो वेस्ट रिसाइकलिंग, अ हीरो कैन बी समबडी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट हु इज़ वर्किंग ऑन लैंग्वेज प्रेजेंट innovation like a language dialect like Karbi, hero can be you know a lady who is working on disability affairs. To ye hai hamare asli heroes. To mujhe lagta hai iska impact aur unique USP yahi hai ki itne sare hamare Bharat desh ki asli taakat kya hai aur uske asli heroes kaun hai, isko Mann Ki Baat samne lekar aaya hai.